23 जून से ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना पहुंचती है। उनका काफिला एयरपोर्ट से सीधे तेजस्वी यादव के घर पहुंचता है। वहां लालू यादव और राबड़ी देवी पहले से मौजूद थी। घर के दरवाजे पर तेजस्वी ममता बनर्जी का स्वागत करते हैं, उन्हें अपने साथ में लेकर घर में दाखिल होते हैं। राबड़ी देवी गर्म जोशी के साथ गुलदस्ता देकर ममता बनर्जी का स्वागत करती हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज की राजनीति में कभी कभार ही होता है। ममता बनर्जी लालू यादव की तरफ मुड़ती हैं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। उनके साथ मौजूद उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी भी बुआ का अनुसरण करते हैं और पहले राबड़ी देवी का फिर लालू यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है और इसके लिए इतनी भूमिका बांधने की जरूरत क्या थी। तो सुनिए, राजनीति में हर तस्वीर का मायने होता है और इस तस्वीर के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को इस तरह से सोच कर देखिए कि ममता बनर्जी पटना पहुंचती हैं, नीतीश कुमार के घर न जाकर वह सबसे पहले तेजस्वी यादव के आवास पहुंचती हैं, वहां लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं, उसके बाद नीतीश कुमार से मिलने पहुंचती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी ही ऐसा करती हैं। एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी ठीक एक दिन पहले पटना पहुंचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के घर न जाकर सीधे वो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचते हैं। जाहिर है अब यह सवाल आपके जहन में जरूर उठेगा कि पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार लगातार देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर बीजेपी और मोदी विरोधी नेताओं को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटे हुए थे। एक तरह से कहा जाए तो इस महागठबंधन की बैठक का वो सूत्रकार थे। उन्होंने एक एक नेताओं से वन टू वन बात की, उन्हें एक मंच पर आने का न्योता दिया और 23 जून को होने वाली बैठक के सूत्रधार के रूप में नीतीश कुमार को ही देखा जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार के पास न जाकर पहले लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचना ये बताता है कि इस पूरी बैठक के पीछे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव मुख्य भूमिका में। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुख्य भूमिका में लालू प्रसाद यादव हैं, तो नीतीश कुमार से क्या कोई वादा लिया गया था। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों में RJD और JDU के भीतर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आप याद कीजिए कि लालू प्रसाद यादव से मिलने नीतीश कुमार पैदल ही उनके आवास चला जाया करते थे, लेकिन पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन में नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना और ये बात मीडिया में आने के बाद नीतीश कुमार का लालू यादव के पहुंचना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर है। जाहिर है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी ये है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से ये कमिटमेंट लिया था कि हम सभी दल के नेताओं को एक मंच पर लाएंगे और आपके सामने बिठाएंगे, आप अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं, बदले में बिहार की बागडोर आपको राजद के हाथ सौंपनी होगी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लालू प्रसाद यादव और RJD की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव हर हाल में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए, लेकिन हाल फिलहाल में इसकी संभावना नहीं के बराबर दिख रही है। बिहार की राजनीति को समझने वाले तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पर ये दबाव है कि वो अपनी पार्टी यानी JDU का विलय RJD में कर दे और राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार चेहरा बन जाए, लेकिन बिहार की बागडोर तेजस्वी के हाथों में सौंप दे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता ये नहीं चाहते हैं कि JDU का विलय RJD में हो। तो ये तस्वीर जिस तरह की दिख रही है वैसी है नहीं। इंतजार कीजिए 23 जून की बैठक के बाद बिहार के राजनीति के नए अध्याय को समझने और पढ़ने की।